वेल वेल तो भाई केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू के दौरान ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनके अपकमिंग मूवी प्रभास स्टारर सलार के साथ केजीएफ का कोई भी कनेक्शन नहीं है, बल्कि सलार केजीएफ से टोटली एक डिफरेंट फिल्म है, डिफरेंट स्टोरी टेलिंग है, डिफरेंट इमोशंस है एंड टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्या लगता है मैं एवी हवाबाजी वाला बात कर रहा हूँ? नहीं यार, इंडिया के जाने माने न्यूज पोर्टल पिंक विला ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, पर उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, तुम्हें पिंक विला वालों पे आंख खुला रख के भरोसा करना होगा। पर्सनली तुम मुझसे पूछोगे तो मैं इनको बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ और मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये बहुत ट्रस्टेबल सोर्स है। मूवीज रिलेटेड कुछ ऑफिशियल न्यूज पब्लिश होने से पहले ये लोग पब्लिश कर देते हैं, तो भाई मुझे तो इनके ऊपर पूरा भरोसा है। देखो भाई, मेरे ऊपर विश्वास है तो वीडियो कंटिन्यू करो, नहीं तो एक ही बात बोलूंगा, केजीएफ के लालच में सलार देखने जा रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। खैर, अब आते हैं असली मुद्दे पर, जहां पिंक विला वालों का कहना है कि उनके साथ प्रशांत नील का एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन हुआ था, जहां प्रशांत नील ने हाईलाइट किया कि सलार मूवी दो फ्रेंड्स की कहानी है जो बाद में एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। मतलब प्रशांत नील प्रभास और मूवी के विलन पृथ्वीराज सुकुमारन की बात कर रहे हैं, जो मूवी में पहले तो अच्छे दोस्त रहेंगे पर बाद में इन दोनों के बीच कुछ लफड़ा हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे का दुश्मन बन जाएंगे। खैर, लग तो रहा है ऐसी बात कह के हमारे प्रशांत नील भाई साहब ने इस मूवी के सिनॉप्सिस को ही रिवील कर दिया। वैसे इसके बाद उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कहा कि सलार के स्टोरी पे वो तब से काम कर रहे हैं जब केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज ही नहीं हुआ था। मतलब 2018 वाला केजीएफ की कहानी उन्होंने सलार को लिखने से पहले ही लिख लिया था, इसलिए केजीएफ मूवी पहले रिलीज हुआ, फिर उन्होंने केजीएफ के स्टोरी आर्क को थोड़ा सा लार्जर बना के केजीएफ 2 के नाम से उस मूवी को रिलीज कर दिया और अब जाके वो सलार ला रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि सलार केजीएफ से टोटली अलग मूवी है, जिसमें दो फ्रेंड्स के बीच में कोर इमोशन देखने को मिलेगा। और इस स्टोरी लाइन को मूवी का आकार देने के बाद उन्हें पता चला कि ये लगभग 6 घंटे की मूवी में तब्दील हो रहा है, पर एग्जैक्ट इसी रीजन की वजह से उन्होंने इस मूवी को लगभग 2 पार्ट में रिलीज करने का डिसीजन लिया, जिसका फर्स्ट पार्ट सलार सीज़फायर 22 दिसंबर को रिलीज होने वाला है। फिर उन्होंने एक बात को टोटली बहुत जोर देकर कंफर्म कर दिया कि केजीएफ एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी थी, जो लार्जर देन लाइफ टाइप फॉर्मेट में एक गैंगस्टर के कहानी और उसके जीवन को एक्सप्लोर करता है। उन्होंने कहा है कि आज तक उन्होंने जितने ही मूवीज को क्रिएट किया है, सब में उनका मेन फोकस था इमोशन के ऊपर, जहां उन्होंने सबसे पहले केजीएफ में माँ का इमोशन ऐड किया और सलार में दो दोस्त का इमोशन, और इन सबसे अलग एक्शन को वो प्रायोरिटी बाद में देते हैं। भाई समझ रहे हो, ये होता है एक असली डायरेक्टर की विजन। उनके जिस काम के लिए हम उनका तारीफ कर रहे हैं, वो उसे अपनी सेकेंडरी काम समझते हैं। भाई इससे पता चलता है कि प्रशांत नील के एक मूवी के ऊपर प्राइमरी विजन एक्शन रहा तो वो कैसी मूवी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब किस लेवल की भौकाल वो ला सकते हैं। खैर छोड़ो, इस आर्टिकल के अनुसार प्रशांत नील ने अपने फाइनल स्टेटमेंट के दौरान बताया कि सलार का दुनिया केजीएफ से टोटली अलग है, बोथ आर डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट इमोशंस विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। भाई फिर जाके उन्होंने दिल को दर्द पहुंचाने वाला बात कह दिया कि ऑडियंस सोल्ड नॉट एक्सपेक्ट अनदर केजीएफ फ्रॉम सलार। मतलब ऑडियंस को ऐसा उम्मीद बिल्कुल भी रखना नहीं चाहिए कि सलार केजीएफ जैसा कुछ है, क्योंकि उनका कहना है कि सलार का दुनिया अलग है, उसकी इमोशंस अलग है, उसके कैरेक्टर्स बहुत अलग है केजीएफ से। फिर उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ एक बात को कंफर्म कर दिया कि सलार मूवी के शुरुआत के 15 मिनट के अंदर ही कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर ऑडियंस ऑटोमेटिकली मूवी में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये उनका वादा है, क्योंकि उन्होंने प्रभास को मूवी में दो पर्सनैलिटी प्रोवाइड किया है, जिनका एक तरफ सॉफ्ट है तो दूसरा बहुत हार्ड, जैसे कि हमने टीजर में देखा। तो भाई बताओ, कौन कौन रॉकी भाई को सलार में एक्सपेक्ट कर रहा था? थैंक्स टू प्रशांत नील, आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि सलार से केजीएफ बहुत अलग है। हाँ, हो सकता है कि डायरेक्टली प्रशांत नील ने केजीएफ के साथ सलार के कनेक्शन वाले वर्ड को यूज नहीं किया, पर यार मैं बता रहा हूँ, फैंस को डायरेक्टली वो नाराज ना करके इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया है कि सलार से केजीएफ का कोई भी कनेक्शन नहीं है, बात को एक्सेप्ट कर लो। अब तुम जरूर कह सकते हो कि सलार के टीजर वाला लोकेशन तो केजीएफ का है, केजीएफ के कुछ एक्टर एक्ट्रेस इस मूवी में काम कर रहे हैं, दोनों मूवी का टोन सेम दिख रहा है, दोनों ही गैंगस्टर मूवीज हैं, तो दोनों में कनेक्शन तो जरूर है, प्रशांत नील हमें मामू बना रहे हैं। देखो भाई, उन्हें सबको मामू बनाना ही होता, केजीएफ के साथ सलार का एक सीक्रेट कनेक्शन रखना ही होता, तो वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते? वो तो ये भी कह सकते थे ना कि कुछ सरप्राइज तुम्हारे लिए सलार में इंतजार कर रहा है, वेट एंड वॉच। नहीं, ऐसा कुछ भी हिंट उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि ऑडियंस को सावधान कर दिया है कि भाई अपने एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करके रखो, ताकि मूवी रिलीज होने के बाद अच्छा निकल गया तो यूनिवर्स कनेक्शन ना होने के बाद भी लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे, जो चीज लियो मूवी में हम सब ने फील किया था। बस बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम समझदार हो, समझ जाओ। भाई अब तो मुझे डर लग रहा है, सामने डंकी है। खैर क्या ही कर सकते हैं,
वेट एंड वॉच, सलार वर्सेस डंकी, इट्स बॉडी वर्सेस ओपेनहाइमर, देखते हैं क्या होता है।